अब दोस्तों यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री की हमारी जो है वो पूरी तरीके से हम 60 डिग्री के आधार पर निकाल चुके हैं। अब बारी है हमारा 30 डिग्री के कोण पे। तो 30 डिग्री के कोण पे अगर निकालेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर DE अपॉन AE। और चूंकि DE की वैल्यू हमें नहीं पता है तो आप क्या जानते हैं, DC बराबर H दिया है और भवन की ऊंचाई हमारी है 15 मीटर। तो अगर हम DE की वैल्यू निकालें तो H में से पूरा टोटल H की हाइट में से अगर 15 मीटर हम हटा देंगे तो क्या DE की वैल्यू नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना, बिल्कुल आ जाएगी। तो tan 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं DE अपॉन AE। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर DE अपॉन AE या फिर EA, ठीक है। अब DE को क्या लिख सकते हैं, DC माइनस EC। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा हाइट में से जो है वो हम भवन की ऊंचाई हटा देंगे तो हमारा उतना ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है, DE के बराबर। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और DC का मान जो है वो पूरी ऊंचाई है मीनार की, तो H, और माइनस भवन की ऊंचाई जो है वो कितना है 15, और अपॉन EA, ये क्या है चौड़ाई X है। तो X बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट के अंदर H माइनस 15। अब X की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली है, ये वाली निकाली है X बराबर H अपॉन √3। तो इसमें हम अगर X की जगह पे H अपॉन √3 रख दें तो H अपॉन √3 बराबर √3 H माइनस 15, ठीक है। तो अगर √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 × √3 हो जाएगा। तो H बराबर 3H माइनस 15 × 45, तो H बराबर 3H माइनस 45। तो अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो 2H बराबर 45 हो जाएगा। तो H बराबर हमारा कितना हो जाएगा 22.5, 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5 मीटर। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। तो फटाफट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यहाँ से नोट डाउन कीजिए और इस फिगर को बनाइए और अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये क्वेश्चन अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए, और डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आपको पास करा सकता है, आपका रैंक जो है वो कितना ऊपर नीचे कर सकता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकान में निम्नलिखित बंटन के अनुसार एक दिन में 100 जोड़े जूते बिके, इस बंटन जूते के माप का बहुलक है, और यहाँ पे आपको साड़ी दी गई है। तो देखिए बारंबारता में जो अधिक रहता है वही बहुलक होता है हमारा। तो बारंबारता यानी कि बिके हुए जूतों के जोड़ों की संख्या, बिके जूते के जोड़ों की संख्या कितनी है, ये सारी हैं। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 35 है ना, तो 35 के सामने जो होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो 35 इसमें सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़े के सामने की देखते हैं कि कौन सा डिजिट है, तो 7 है हमारा, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सबसे अधिक बारंबारता अर्थात 35 7 नंबर माप वाले जूते की है, इस प्रकार सबसे अधिक जूते 7 नंबर माप वाले बेचे गए, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुलक वाले क्वेश्चन में क्या देखना है कि बारंबारता में जो अधिक होगा उसके सामने वाला जो होगा वो आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 8 × x बराबर 2 तो 2 × 6x होगा। तो देखिए 8 × x है यानी कि 8 × x बराबर 2 है। तो चूंकि इधर राइट हैंड साइड में 2 है तो हमको इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी 2 के आधार में कन्वर्ट करना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और चूंकि x है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3x बराबर 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 इसका घात है, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर कुछ भी नहीं है तो उसका घात मान लीजिए 1 होता ही है, तो जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे। तो 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ तक तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। उसके बाद से हमको क्या निकालना है, 2 की पावर 6x की वैल्यू निकालनी है, 2 की घात 6x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 लिख देंगे और ब्रैकेट के ऊपर घात के रूप में 6 × x की वैल्यू अभी हमने निकाली है कि 1/3, तो × 1/3, अब 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो 2 की घात 2 यानी कि 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 2 × 2 = 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे कि इस ऑप्शंस में क्या 4 वाकई में है, तो जी हाँ बिल्कुल है,
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई में क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी टाइप की वीडियोज़ अगर रेगुलर देखना चाहते हैं आप, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और उनसे भी बोलिए कि पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोस रेगुलर मिल रही हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप जो है वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।